잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요 비밀에 나만의 초콜릿 그대 차가운 몸을 녹일 때 Hello everyone, namaste and welcome back to my channel. तो आज है संडे और अभी लगभग 6:30 बज चुके हैं शाम के एंड जैसे कि आप देख सकते हैं आज फाइनली बारिश नहीं हो रही, काफ़ी मस्त मस्त वाला मौसम है. तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं आज आपको बाहर घुमाने लेने चलती हूँ और जो मार्केट है, जो अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल हैं वो वगैरह वगैरह दिखाती हूँ. सो ये जो जगह है ना वो मेरे घर के बहुत ही करीब है और एक्चुअली जो पीछे आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ना उसके पीछे एक और बिल्डिंग है और वो वाली बिल्डिंग मेरा अपार्टमेंट है. सो इट्स सुपर क्लोज. ये है एक ओल्ड मैकेनिक स्टोर. यहाँ पे जो पुरानी मोटरसाइकिल होती है ना वो जिनके पार्ट्स होते हैं ना वो निकाल के उनको बेचते हैं. सो इट्स क्वाइट वेरी वेरी ओल्ड स्टोर. गाइज ये रहा मेरा आउटफिट ऑफ द डे, स्नीकर्स, स्कर्ट एंड टी शर्ट. गाइज ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं आज बाहर क्यों आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर कुछ क्यूट से अच्छे से कपड़े मिल गए या कुछ एक्सेसरीज तो मैं वो वाले खरीदूँगी. सो लेट्स सी. तो अभी हम पहुँच चुके हैं डाउनटाउन में जो कि है जवानों का अड्डा, लेकिन अभी मैं अंडरग्राउंड एरिया में हूँ क्योंकि मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर जो पीछे के जो मार्केट्स हैं ना वो दिखाना चाहती हूँ. सो अभी हम यहाँ पर थोड़ा टूर करने वाले हैं, फिर बाद में हम ऊपर जाएँगे और वहाँ पर भी थोड़ा इन्जॉय करेंगे. यहाँ पर है अजुमा स्टाइल ब्लाउज जो कि है 8001. ये काफ़ी जो इंडियन कुर्ता होता ना उस टाइप में स्टाइल है, काफ़ी लंबे लंबे भी हैं. और यहाँ पर है अलग, ये थोड़े एक्सपेंसिव है 10,000. सो इनका जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट और फ्रेश है. यहाँ पर सारा सामान है 5,000. यहाँ पर है कुछ लंबे वाले स्कर्ट्स जो कि है मेड इन चाइना इसीलिए वो सस्ते हैं 20,000. टी शर्ट एक्चुअली ये 20,000 काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब कि 20,000 से आप ज़ारा या फिर H&M से अच्छी क्वालिटी वाले खरीद सकते हो. सो दिस वन इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव बट आई लाइक द कलर्स, सो प्रीटी. सो यहाँ पर है लेडीज़ शर्ट जो कि है 20,000 और आप यहाँ पर देखिए मैंस शर्ट जो कि है 5,000. सो पता नहीं क्यों लड़कों के हमेशा सस्ते चीज़ होते हैं, लड़कियाँ के इतने एक्सपेंसिव होते हैं. तो गाइज अभी हम बाहर आ चुके हैं और ये जो जगह है ना एक्चुअली मैंने यहाँ पे कुछ मॉडलिंग शूट्स करे थे पिछले समर में. सो तो जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे उन दिनों की याद आती है, तब मैं यहाँ पे कोरिया में मॉडलिंग करती थी. सो इट्स अ रियली स्वीट प्लेस विद गुड मेमोरीज. Ah, 네.
혹시 사이즈가 안 맞으면 바뀌어도 돼요? 입신 살 때는 이거 택 무조건 있으셔야 돼요. 감사합니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 Hello guys, 맨에 아주 अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है और अभी यहाँ के 8 बज चुके हैं. अभी डार्क होने लग गया है लेकिन इतनी शॉपिंग करते करते मैंने आपको बोला था कि मैं शॉपिंग नहीं करने वाली क्योंकि मेरे पास सब कुछ है. लेकिन anyway, शॉपिंग कर ली, इतने सारे पैसे खर्च कर लिए फालतू चीज़ों में. लेकिन कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी. और अभी शॉपिंग करते करते मुझे बहुत प्यास लग रही है तो मैं स्टारबक्स जाने वाली हूँ कॉफ़ी पीने के लिए. ये वाला जो ड्रिंक है इसका नाम है ग्रेपफ्रूट ब्लैक टी. सो गुड, ओह माय गॉड, मुझे इसका नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि इतनी टेस्टी है. ओह माय गॉड, आई एम जस्ट गोना हैव दिस वन फ्रॉम नाउ ऑन एट स्टारबक्स. सो गुड. सो गाइस, अभी मैं घर पर जाने वाली हूँ एंड प्रॉब्ली आई एम गोना टेक अ बस और अ टैक्सी. एनीवे मेरी फ़ोन की बैटरी ओनली 7% है तो मुझे जल्दी से घर पर जाना है और फ़ोन को चार्ज करना है. सो आई सी यू लेटर, बाय. नहीं ऐसे आप गाइज, अभी मैं घर पर आई हूँ और मेरा थोपड़ा इतना ब्राइट ब्राइट एक लाइट बल्ब की तरह क्यों दिख रहा है, आई डोंट नो. एनीवे मुझे बहुत भूख लगी है. अभी 9:30 बज चुके हैं और जो मैंने शॉपिंग करी है मैं आपको वो दिखाऊंगी. लेकिन अभी मैंने कुछ डिलीवरी खाना ऑर्डर करा है क्योंकि मेरे में कुछ भी एनर्जी नहीं है खाना बनाने की, पकाने की, साफ़ सफाई करने की. सो मैंने खाना ऑर्डर करा है और अभी एक्चुअली वो खाना जल्दी से आने वाला है तो मैं आपको सबसे पहले खाना दिखाऊंगी. ओ इट्स हियर, ये रहा मेरा डिलीवरी खाना. सो गाइज, मेरा डिनर आ चुका है. तो यहाँ पर है कुछ सैलड और इसके अंदर है कुछ मिर्ची जो कि है मीट के साथ खाने वाली. सो इसके अंदर है मीट जो कि है पोर्क मीट. इसके अंदर है किमची किम्पाप. इसके अंदर है यहाँ पे किम्पाप, किमची, कुछ सॉस इसके साथ खाने वाली. इसके अंदर है स्टीम एग्स. इसके अंदर है मोर किम्पाप. सो गाइज, अभी मैं यम्मी यम्मी खाना खाने वाली हूँ और मैं आपको बाद में मिलती हूँ. बाय. मिर्ची. I've never caught a home run before, but saw the little girl standing there with her glove up. Oh, so you look like a model. Kimbap. Make a world a dance like a cartoon. Huh? Oh, not the really dance, just the. अभी मुंग मुंग भी खाना खा रहा है पीछे. Right? Kimchi fried rice. Yeah. And it is good, but then there are other words for that, which are. In the vagina. ये वाला काफी spicy है, but it's really good. It's meat. मशरूम, किमची, इसको बंद करके पान टाइप में, जो पान होता है ना इंडियन स्टाइल वाला, उसको ऐसे करके खाते हैं. ये वाली जो मिर्ची है ये तीखी मिर्ची नहीं है, काफी स्वीट वाली मिर्ची है, तो इसको इस सॉस में डिप करके खाते हैं.
알고 있을 걸요. 조심. 오. 혹시 진짜 이 친구 말대로 엉망이 맛있어? 맛있어요? 엄마가 야 아이고 예쁘다 우리 엄마가 너무 예뻐 응? तो गाइज अभी मैंने और मोंगमोंग ने पेट पूजा कर ली है, खाना अच्छी तरीके से खा लिया है और अभी मेरा पेट बहुत ही फूल चुका है। लेकिन ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको जो मैंने शॉपिंग करी है ना वो जल्दी से दिखाने वाली हूँ। सो मोंगमोंग वेट अ सेकंड। तो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट आइटम है ना जो आज मैंने खरीदा है वो है ये वाली जीन्स। तो ये वाली है मॉम स्टाइल जीन्स, यहाँ से टाइट है लेकिन बाकी नीचे यहाँ से काफी लूज है और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि इतनी कंफर्टेबल है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये वाली साइज़ मिल गई क्योंकि ये लास्ट वाली साइज़ थी जो कि है सबसे छोटी साइज़ जो आपको कोरिया में मिल सकती है। यूजुअली जो कोरियन लड़कियाँ होती हैं ना वो काफ़ी स्लिम ट्रिम होती है और जो मेरी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मेरी वेस्ट है ना वो काफ़ी छोटी है लेकिन जो मेरे हिप्स है ना वो थोड़े मोटे मोटे हैं, तो मुझे बहुत ही मुश्किल होती है एक प्रॉपर फिटिंग जीन्स खरीदने में। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये वाली जीन्स मिल गई एंड ये मेरी सबसे फेवरेट जीन्स है सो फार। और उसके बाद में मैंने क्या खरीदा है, ये जो वन पीस ड्रेस है ना ये वाली खरीदी है मैंने। इसका जो रंग है ना मुझे बहुत पसंद है, मतलब कि काफ़ी ब्राइट है, मुझे ये रंग देखते देखते मुझे खुशी हो जाती है। सो आई गॉट दिस वन एंड व्हाट एल्स डिड आई गॉट, टोपी खरीदी है। तो अगर आप किसी को टोपी पहनाना चाहते हो ना तो आप ये वाली टोपी खरीद के उनको दे सकते हो। सो बेसिकली ये वाली जो टोपी है ना बहुत ही स्पेशल टोपी है क्योंकि इसका जो मटेरियल है ना वो है कूल मटेरियल। सो बेसिकली अगर आप समर में धूप में जाते हो ना तो ये आपके सर को दिमाग को भेजे को ठंडा रखती है। सो आई गॉट दिस वन, आई एम सो हैप्पी। और इसका जो ये लोगो है ना वो है हाउ डू यू कॉल दिस पैटर्न, शाइनी लोगो, आई मीन रेनबो कलर लोगो। और उसके बाद में मैंने खरीदी है ये वाली स्कर्ट। सो ये जो स्कर्ट है ये वापस है मॉम स्टाइल स्कर्ट। सो इसकी भी जो फिटिंग है ना वो परफेक्ट है क्योंकि वो आपको वेस्ट को बिल्कुल टाइट कर देती है और जो आपके हिप्स है ना उनको राउंड राउंड बनाती है। सो दिस इज अ गुड परचेज। और उसके बाद में स्कर्ट के साथ पहनने के लिए ये जो टॉप है ना वो वाली मैंने खरीदी है, ये काफ़ी चीप थी इसलिए मैंने उसको सोचा कि चलो खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं। मैंने और भी कुछ खरीदा लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तो एनीवे आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओह मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, सो वेट, दा 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 दा, आई एम सो ऑब्सेस्ड। सो इसके अंदर आप ये रखिए और इसके अंदर से बिल्ली निकलती है गाइस, इट्स सो क्यूट, लुक एट दिस, ओह माय गॉड, आई एम ऑब्सेस्ड। सो मेरा आज रात का प्लान है ना इसके अंदर एक एक करके सिक्के डालना है। सो जब भी आप मुझे याद करोगे ना तो आप याद रखना कि पूनम दीदी इस वक्त इसके अंदर सिक्के डाल रही है। सो एंड अभी खत्म नहीं हुई मेरी शॉपिंग, एक और चीज है जो कि है तदान की बाट की और इसके अंदर मैं ये डालूंगी एंड शी इज ईटिंग द कॉइन, इजंट इट सो क्यूट। सो कॉइन गायब हो गया, इसके अंदर चला गया। सो ओह माय गॉड, आई एम सो ऑब्सेस्ड, आई एम सो ऑब्सेस्ड। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच ये मेरा अजीब गरीब वीडियो देखने के लिए। और एक्चुअली ये वाला जो वीडियो है ना वो मैं सैटरडे को रिलीज करने वाली हूँ। यार मैं रिलीज जैसे शब्द इस्तेमाल करी हूँ जैसे कि मेरा वीडियो एक ब्लॉकबस्टर मूवी हो। एनीवे ये जो वीडियो है ना सैटरडे को रिलीज होने वाला है लेकिन आज कोरिया में है संडे और जो अगले हफ्ते है ना मैं बहुत ही बिजी होने वाली हूँ तो इसकी वजह से एक हफ्ते बाद में ये वीडियो रिलीज होगा यूट्यूब पर। सो गाइस थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ओह लुक एट दिस, आई एम सो सॉरी, मैंने इतना खाना खा लिया तो उसकी वजह से मेरी एनर्जी में बहुत सारी बॉडी है, मेरी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी है। सो अभी मैं मोंगमोंग के साथ खेलने वाली हूँ, कुछ टीवी देखने वाली हूँ और इसके अंदर सिक्के डालने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच, ओ थैंक यू सो मच एंड तक वीडियो देखने के लिए एंड मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हैव अ गुड वीकेंड, बाय।